तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज हम आए हैं एम्स। आज कुछ काम था, नारायण का सर्टिफिकेट लेना था, तो एम्स की न्यू राजकुमारी बिल्डिंग में आ गए हैं। मैं दिखाता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं सी विंग में, एम्स की न्यू राजकुमारी बिल्डिंग में। सी विंग 208 नंबर में जाना है। तो अभी यहाँ वेट कर रहे हैं और भीड़ बहुत है। देखो अब इसी में जाना है हमें, सी 208 में बहुत ज़्यादा क्राउड है। गाइस अब काम पूरा हो चुका है, बहुत टाइम लगा, मैं तो बैठे बैठे बोर हो गया। अब हम जा रहे हैं अब घर पर सीधा, घर पर सीधा। इसलिए बन रही है ब्लॉक पे, मतलब एम्स में काम कराना मुश्किल ही नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही भीड़ थी, बहुत शोर था। एम्स में काम कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। डांगड़ा लोग। तो फाइनली इनका सर्टिफिकेट का काम हो गया है, वो बस अब डाउनलोड करना है। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी आ गए हैं बाहर एम्स के, और ये एम्स की बिल्डिंग है दोनों, मतलब इतनी अच्छी बनाई है राजकुमारी, अमृत कौर ओपीडी, बहुत बढ़िया है। और सामने ये केमिस्ट है, यहाँ से सारी दवाइयाँ ले लो। गाइस अभी आ रहे हैं इनका फोटो शूट। और ये एम्स के अंदर ये बस चलती है, मिनी बस, पैसेंजर को इधर से उधर ले जाने के लिए। बस बैठा हूँ अब, सब लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। 11 बजे यहाँ आए थे और अब करीब 4 बज चुके हैं। क्या कर सकते हैं, वेटिंग ही वेटिंग है। एम्स में काम कराना हो तो वेट ज़्यादा करना पड़ता है। सर्टिफिकेट तो मिल गया था मेहरान का, अब दूसरी जगह पर आए हैं जहाँ कुछ और काम है, पैर का नाप, हाथ का नाप वगैरह लिया है, उसके इंतज़ार में बैठे हैं। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, 4 बज चुके हैं, वेट कर रहे हैं। तो ये आए हैं, यहाँ पर सबके हाथ और पैर रखे हुए हैं बनावटी वाले, तो वही यहाँ पर लगाना है, उसका नाप लिया जाएगा। अभी किसी का पैर है तो किसी का हाथ है। इसको देख के तो शरोज की याद आ गई, बचपन में दिल्ली आया था उसको लेके मैं। अब फ्री हुए हैं, अब निकले हैं, अब फिर बुलाया मंडे को 12:30 बजे। गए थे फिर एम्स से, बहुत टाइम लगा वहाँ पर। 4 बजे के बाद फ्री हुए, फिर ऑटो करके सीधा घर आए, और उसके बाद थोड़ा बहुत चाय वगैरह भी सुस्ती उतारी, तब बैठे हैं। अब बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। बरिजी हो तो कौन जीत रहा है? मैं जीत रहा हूं। अच्छा अब करो। अभी तैमूर करने वाला है मेरी एक्टिंग, पापा की। जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मैं कैसे बोलता हूँ, करेगा ये। अरे यार मेरा नाम क्या है? तुम्हारा छोटा भाई है, बड़ा भाई नहीं है। ये जो पैसे लाता हूँ ना, रात 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 पसीना भीग के चीजें लाता हूँ, जो तुम्हारे घर के चीजें खराब करोगे मेरा नाम। बोलो बोलो, खून पसीने में भीग के ये सब लाता हूँ मैं, खून पसीने में। तो देखो एक दंडी की चश्मा गायब है और एक का है। देखो भाई, और दंडी पता नहीं कहाँ फेंकी है, ये पता नहीं। तो अब रात के 9 बज रहे हैं और खाना रेडी हो चुका है। सदब ने बनाए थे करेले और कोरमा, तो ये सब अब खाने बैठे हैं बस। और तहरी बनाई थी दोपहर, तो वो भी खाने में शामिल कर लिए। और सौरभ जोशी व्लॉग देख रहे हैं और खा रहे हैं। तो बस यही था आज के व्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। वैसे मेरे कान का पर्दा हिल गया।